खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। हाल ही में एबी मोटर्स ने इलेक्ट्रिकल स्कूटर को लॉन्च किया है जो पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल नीति के तहत एबी मोटर्स ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में बनाया है, जिसका मकसद प्रदूषण मुक्त नए भारत के निर्माण में योगदान देना है। एबी मोटर्स के CMD डॉक्टर अभय बंसल की इस मुहिम को भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष भारती बहन सियाल ने खूब सराहा है। जैसे हमारा देश और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है कि देश को पॉल्यूशन मुक्त भी करना है और बहुत सारे दूसरे पॉल्यूशन जैसे वॉइस पॉल्यूशन उससे भी मुक्त करना है, और सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जो पेट्रोल डीजल उनकी जो शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि ये जो कुदरती भंडार है पूरे विश्व के पास वो खाली होने जा रहे हैं और पूर्व विश्व के सामने ये समस्या है। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पेरिस सम्मेलन में गए थे और वहाँ भी उन्होंने पूरे विश्व के सामने ये जो पर्यावरण क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व के सामने जो समस्या है उनके बारे में पूरे विश्व को दिशा निर्देश दिया था और पूरा विश्व ने उसको सराहा भी था। तो हमारे भारत देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है कि सबसे पहले तो पॉल्यूशन मुक्त हमारा देश करना है और वॉइस का पॉल्यूशन भी कम करना है। और जैसे हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल हमारे देश में नहीं होता है, हमको वो इंपोर्ट करना होता है। बहुत सारे हमारे देश के जो हुंडियामण है वो विदेश में चला जाता है, और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि हमारे देश को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए हमको पावर के दूसरे सोर्सेस भी सोचने चाहिए, और इसके लिए ये ई बाइक का प्रमोशन पूरे देश में हो रहा है। अभी दिल्ली में एबी मोटर्स का ये ई बाइक सबसे पहले मैंने खरीदा है। मैंने इसलिए खरीदा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उनको बढ़ावा मिले और पूरे देश के साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ई बाइक का प्रमोशन हो, क्योंकि ई बाइक के बहुत सारे फायदे हैं हम सब जानते भी हैं, और इसीलिए सबसे पहले तो ये पॉल्यूशन और वॉइस पॉल्यूशन कम करने के लिए, वैसे इसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं रहती है, न तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत है, और छोटे बच्चे भी उनको चला सकते हैं क्योंकि उनकी स्पीड भी कंट्रोल रहती है। एक ये बाइक ही नहीं, बहुत सारे इसमें डिज़ाइन भी बनने वाले हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही कम टाइम में पूरे देश में ये जो ई मोटर्स है वो चलने लगेंगे और हमारा पेट्रोल डीजल पॉल्यूशन बहुत सारी जो हमारे देश की समस्या है उनका धीरे धीरे हल होता जाएगा। उनका प्रमोशन हो और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन को हम सपोर्ट कर सके, इसीलिए आज पहली एबी मोटर्स की बाइक स्कूटी मैंने खरीदी है और यहाँ दिल्ली में मैं भी चलाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि एक और दूसरी बाइक भी मैं खरीदूँ और वहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उनका मैं यूज़ कर सकूँ। स्वाभाविक है कि इसकी स्पीड बहुत कम है, सिटी के लिए बहुत ही योग्य है, और महिलाओं को थोड़ी सी भी दूरी पे अगर जाना है तो अभी उनको चल के जाना पड़ता है या तो साइकिल पे जाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सस्ती जो बाइक है और पेट्रोल डीजल का उसमें खर्चा भी नहीं है, तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही बेहतरीन रहेगी, क्योंकि महिला उनको चला भी सकती है, बच्चों को स्कूल में डालना है अगर स्कूल में लेने जाना है तो उनके लिए भी, अगर वेजिटेबल मार्केट में जाना है शॉपिंग करना है वो सारी चीज़ें महिलाओं को करनी पड़ती है, और इसके लिए ये बाइक है, ये स्कूटी जैसी बाइक है वो बहुत ही अच्छी रहेगी क्योंकि ये सबको परवड़ता भी है। इसी को लेकर एबी मोटर्स ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें धीरू भाई शियाल, वीरेंद्र और एस्ट्रोलॉजर दिनेश मकवाना साथ। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता भारती सियाल खुद संसद सत्र के दौरान इसी एबी इलेक्ट्रिक मोटर के स्कूटर को अपने घर से लेकर संसद भवन तक गई।
कार्यक्रम में एबी मोटर्स के डायरेक्टर सार्थक बंसल ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की तकनीक के बारे में बताया। सबसे पहले तो मैं भारती बहन का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारी पहली स्कूटरी आज खरीदी है और आज हमारे को इतनी हिम्मत दी है कि हम उसको आगे लेके अपने सब देश के लिए, जो लोगों की जनता के लिए कुछ हम कुछ कर सकें और पॉल्यूशन मुक्त कर सकें। तो बाकी प्रधानमंत्री के विज़न को लेकर तो हम चल ही रहे हैं सब, और हम सबको चलना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि यदि हम सोच बदलेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हम जैसे हम पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए हम स्कूटर लेते हैं, स्कूटर बाइक कोई भी चलाते हैं, डीजल पेट्रोल की है, तो उसमें भी हम पैसे खर्च करते हैं। इसको हम, इसमें हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे, हम मनी को भी सेव करेंगे और पॉल्यूशन फ्री कर देंगे, जिससे कि हमारी सेहत भी सही रहेगी और लोगों का इसमें एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा। इसमें सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि एक लग्जरी कार के अंदर होते हैं। इसमें सब ऑटोमेटिक है, इसमें रिमोट कंट्रोल है, इसके अंदर डबल डिस्क ब्रेक्स हैं और लुक बहुत अच्छी है और सेफ साइड बहुत है। और ये इसके अंदर यदि कोई परेशानी होती है तो एक इसके अंदर स्पेशल स्विच भी है जो कि 8 किलोमीटर तक आप चल सकते हो। सब बैटरी बैकअप भी है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ ऐसी सब चीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ओल्ड एज पर्सन के लिए कितना सब्सिडी है? ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा है भाई साहब। एक तो पैसे की सबसे बड़ी बचत है, पॉल्यूशन फ्री है, ये ईजी टू मूव है, कहीं भी आप ले जा सकते हो, कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो है कि इसके अंदर आवाज़ भी नहीं है और मेंटेनेंस नहीं है। आपने एक बार इन्वेस्ट करा, उसके बाद आपको 3 साल तक तो कंपनी गारंटी देती है, जो कि बैटरी की पूरी गारंटी है, टायर की गारंटी है। और इसके अंदर तो कोई और खर्चा है ही नहीं। ज़्यादा वजन तो नहीं है इस गाड़ी? नहीं, वज़न बहुत हल्का है इसके अंदर और एवरीबॉडी कैन यूज़ इट ईज़िली। सर ये एक बार चार्ज होने में 2.5 घंटे में ये 110 किलोमीटर तक चल सकती है। हाँ, तो एवरेज मोटा मोटा इसके अंदर 5 पैसे पर किलोमीटर की एवरेज। सर इसको तो हम बहुत आगे तक लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आगे तक जाने के लिए। भारतीय बहन जैसे हमें सपोर्ट लोग कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे। और प्रधानमंत्री का जो विज़न है, गडकरी जी का जो विज़न है, उन सबको हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक हमें विज़न दे दिया, कोशिश वो कर रहे हैं, बाकी हम सबको मिल के साथ चलना पड़ेगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सबको एक किया। और ऐसी विचारधारा जो आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, तो हमें सफरिंग नहीं करना पड़ेगा पोल्यूशन से। और बैटरी वाली गाड़ी लानी है तो दिल्ली को नहीं, पूरे देश को बचाना। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी।